अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं स्वाति भारद्वाज आज आपके लिए 12th एनसीईआरटी का फर्स्ट यूनिट जो है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन वो डिस्कस करने के लिए आई हूँ। तो पहला चैप्टर है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्या होते हैं फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पादप क्या होते हैं? अपन ने व्हिटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा है जिसमें होता है थेलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों को मिला के स्पर्मेटोफाइटा बोलते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ठीक है। अब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इन दोनों में से कौन से होते हैं जो जिनके ऊपर फ्लावर्स लगते हैं, मतलब जो फ्लावर बियरिंग होते हैं? ओनली एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में क्या लगते हैं? जिम्नोस्पर्म में केवल कोन लगते हैं, मतलब जहाँ पे फ्लावर्स को लगना चाहिए वहाँ पे उनमें कोन लगते हैं लंबे लंबे। जैसे अपन हिमाचल साइड में कभी गए हो आप तो आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं हिमाचल में, लेकिन उनमें फ्लावर नहीं होते हैं। अट्रैक्टिव सी एक चीज़ होती है, कोन टाइप स्ट्रक्चर होती है वो, बस वो कोन पे भी आके ख़त्म हो जाता है, फिर उसमें कोई फ्लावर्स नहीं लगते हैं। तो पुष्पीय पादपों को बेसिकली एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का कैरेक्टर माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन एंजियोस्पर्मिक एक प्लांट है जो क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करता है, जो है कैप्सेला। कैप्सेला एक प्लांट है जिसकी स्टडी करेंगे। अब कैप्सेला को ही क्यों लेंगे, क्योंकि कैप्सेला एक वो टिपिकल प्लांट है जिसमें एंजियोस्पर्मिक फैमिली के पूरे कैरेक्टर आ जाते हैं। अब एंजियोस्पर्मिक फैमिली के कैरेक्टर कौन से होते हैं, अब ये चीज़ अब मैं जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जब प्लांट डाइवर्सिटी पढ़ाऊंगी आपको, तो मैं आराम से टोटली आपको बताऊंगी कि जिम्नोस्पर्म में एंजियोस्पर्म में कितने डिफरेंस है। बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी है, लेकिन 5 से 6 ऐसे डिफरेंसेस है जो टोटली इनको डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों को। लेकिन यहाँ इस चैप्टर में बस इतना सा जान लेना ज़रूरी है कि कैप्सेला में एक प्रॉपर डिफाइंड वेल डेवलपिंग रूट सिस्टम पाया जाता है, वेल डेवलपिंग स्टेम सिस्टम पाया जाता है, एज वेल एज लीफ सिस्टम पाया जाता है। इन तीनों में डिवाइडेड होता है। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते क्या हैं, हायर प्लांट यही तो होते हैं जो जड़, तना और पत्ती तीनों में डिवाइड होते हैं। दूसरा, एंजियोस्पर्मिक प्लांट बहुत अपने आप को सर्वाइव करने में सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका रूट सिस्टम बहुत ज़्यादा मिच्योर होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा कैरेक्टर है कि एंजियोस्पर्म में होमोस्पोरी और हिटेरोस्पोरी दोनों पाई जाती है। हाँ, होमोस्पोरी भी मिलती है जैसे जिम्नोस्पर्म्स में मिलती है। ठीक है, अब होमोस्पोरी हिटेरोस्पोरी क्या होती है मैं बताती हूँ। एक होता है होमो मतलब समबीजाणुक, एक होता है समबीजाणुक, एक होता है विषम बीजाणु। सम बीजाणुक मतलब एक ही तरीके के दो बीजाणु बनना और उनमें निषेचन होना और एक उस दोनों के तरीके का एक जायगोट बनना। विषम बीजाणु क्या होता है, एक नर युग्मक अलग होना, मादा युग्मक अलग होना, दोनों में निषेचन होना, फिर वहां पे मियोसिस की प्रोसेस होना, मतलब अर्धसूत्री विभाजन होना, और उसके बाद में एक निषेचित युग्मक का निर्माण करना। ये होता है हिटेरोस्पोरी और होमोस्पोरी दोनों में डिफरेंस। समझ में आया? तो जो कैप्सेला प्लांट अपन ने लिया है यहाँ पे स्टडी करने के लिए वो हिटेरोस्पोरिस होता है, मतलब विषम बीजाणुक होता है। क्लियर? अब अपन आते हैं इस चैप्टर की एक माइंड मैपिंग करने के अंदर कि ये चैप्टर में अपन को सिंपल टू कॉम्प्लेक्स क्या पढ़ना है। किसी भी चैप्टर की शुरुआत अगर अपन जो चीज़ें जानते हैं वेल नॉन चीज़ों से शुरू करके जो नहीं जानते हैं कॉम्प्लेक्स चीज़ों तक बढ़ेंगे तो अपन को धीरे धीरे स्टेप समझ में आएंगे। ठीक है, तो मैं हमेशा यही करती हूँ कि जो चीज़ अपन जानते हैं वहाँ से शुरू करके धीरे धीरे डीप तक जाते हैं अपन। तो अपन जानते किस चीज़ को है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन ये पढ़ना है अपन को। तो अपन क्या जानते हैं, अपन ये जानते हैं कि एक कोई भी प्लांट है, प्लांट के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, दूसरा पार्ट होता है वेजिटेटिव पार्ट। मतलब रिप्रोडक्टिव मतलब क्या, जो निषेचन कर सके। ठीक है, और दूसरा होता है वेजिटेटिव पार्ट जो कायिक पार्ट होता है, कायिक भाग होता है।
तो जो प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो क्या होता है, क्या होता है, फ्लावर होता है, फूल होता है, पुष्प होता है। क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि एक फ्लावर ही ऐसी चीज़ है प्लांट के अंदर जो मेल और फीमेल दोनों तरीके के सेक्स ऑर्गन्स को धारण किए हुए होती है। नर और मादा दोनों तरह के जननांग पाए जाते हैं पुष्प के अंदर। तो एक फ्लावर को छोड़ के प्लांट का जो पूरा पार्ट है रिमेनिंग, जिसमें क्या क्या आ जाएगा, लीफ आ जाएगा, स्टेम आ जाएगा और रूट आ जाएगा, तीनों चीज़ें आ जाएगी, वो तीनों होता है गाइक पार्ट और एक फ्लावर होता है जननिक पार्ट। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं जननिक पार्ट से। अब मैं एक चीज़ बताती हूँ अपन कैसे कैसे इस पार्ट, इस लेसन को पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको समझ में आए कि मैम किस किस थ्योरी के अकॉर्डिंग चल रही है, कहाँ तक मैम ने कंप्लीट कर दिया, मैम अब आगे क्या पढ़ाने वाली है। पहला जो अपन पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे अपन, चलो मैं ओरली बता देती हूँ या वरना थोड़ा सा यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, पहला अपन पढ़ेंगे पुष्प की संरचना। ओवरव्यू लेंगे, ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे। डीपली अपन कहाँ पढ़ेंगे? डीपली अपन मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी में फिर आगे इन्फ्लोरेसेंस आएगा। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? फ्लावर्स का अरेंजमेंट ही तो होता है। तो इसमें सारा एनाटॉमी पढ़ लेंगे, लेकिन अभी सिर्फ जितनी जितनी अपन को ज़रूरत है आकारिकी और फिजियोलॉजी पढ़ने की उतनी ही पढ़ाऊँगी मैं यहाँ पर फ्लावर के बारे में। तो पुष्प की संरचना, सेकंड है नर जननांग। मैं चाहती हूँ कि आप भी साथ साथ में मेरे साथ में एक बार लिखते जाएं, तो आपको भी ना कनेक्शन लगेगा कि हाँ मैम ने इतना पढ़ा दिया और आगे ये पढ़ाएंगी, आपको भी माइंड मैपिंग में समझ में आ जाएगा ये चीज़। नर जननांग और नर युग्मक का निर्माण, ठीक है, इसी तरीके से मादा का, मादा लिख दिया मैंने, मादा जननांग और मादा युग्मकों का निर्माण। इसी तरीके से फिर आगे जब दोनों का निर्माण हो जाएगा तो आगे क्या होगा? आगे एक प्रोसेस होगी जिसको बोलते हैं अपन परागण, पॉलिनेशन। उस प्रोसेस के थ्रू नर युग्मक मादा युग्मक मादा जननांग तक पहुंचने की कोशिश करेगा। वो किसके माध्यम से करेगा? उसका माध्यम हवा भी हो सकती है, उसका माध्यम जल भी हो सकता है और उसका माध्यम इंसेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, बेसिकली इन तीन ही माध्यमों की ज़रूरत होती है एक नर युग्मक को मादा जननांग तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो इसकी नेक्स्ट वाली प्रोसेस होती है परागण। फिर पांचवा होता है, अब पहुंच गया तो आगे ऑब्वियस सी बात है निषेचन होगा। और फिर लास्ट जो होगा, जो सिक्स पॉइंट है, निषेचनोपरांत घटनाएं। ठीक है, अब मैं एक बार वापस बता देती हूँ कि क्या क्या लिखा है मैंने, कैसे लिखा है। सबसे पहले अपन अगर इस लेसन की शुरुआत करते हैं तो अपन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेक्सुअल और असेक्सुअल, मतलब लैंगिक और अलैंगिक, ये दो तरीके के जनन का अध्ययन करते हैं। लैंगिक जनन किसके द्वारा हो रहा है? पुष्प। पुष्प में क्यों? क्योंकि पुष्प में नर जननांग और मादा जननांग दोनों तरीके के जननांग उपस्थित है, दोनों तरीके के सेक्स ऑर्गन्स उपस्थित हैं, तो इसका स्टडी करना जरूरी है। इसके स्टडी के लिए अपन को स्टेप बाय स्टेप ऐसे बढ़ना पड़ेगा, पहले पुष्प की संरचना, फिर मेल मतलब नर जननांग और नर युग्मकों का निर्माण, एज वेल एज मादा जननांग और मादा युग्मकों का निर्माण। फिर करवाना होगा अपन को परागण, परागण के बाद निषेचन अपने आप हो जाएगा, फिर निषेचन उपरांत घटनाएं। ठीक है, अब मैं एक बात बताती हूँ, ये तो हुआ सेक्सुअल का मतलब लैंगिक का, और अगर अलैंगिक हो, अलैंगिक का मतलब समझते हो? अलैंगिक का मतलब ये होता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों में ना तो मियोसिस होगा और ना ही फर्टिलाइजेशन होगा, दोनों में ही नहीं होगा। लेकिन जो अभी अभी मैंने एक चीज़ डिस्क्राइब की थी कि प्लांट का जो फ्लावर पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसको छोड़ के जो और बच रहे हैं जड़, तना, पत्ती, ये तीनों में से अगर कोई एक भी अपनी एबिलिटी रख के
एक दूसरे प्लांट का फॉर्मेशन करने की एबिलिटी रखता हो, तो इस चीज को ही अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अलैंगिक जनन बोल देंगे। अलैंगिक जनन अपन पढ़ेंगे, ये पूरी घटनाएं खत्म होने के बाद इस घटनाओं का जब अपन को सीड मतलब बीज मिल जाएगा, उसके बाद अपन को एट दी एंड क्या चाहिए, रिप्रोडक्शन का एट दी एंड फल क्या होता है, एम्ब्रियो, जायगोट, वही तो होता है ना, जायगोट बन जाना, एम्ब्रियो मतलब भ्रूण बन जाना। भ्रूण किसमें बनेगा, बीज में, फिर उस बीज को अपन जमीन में बोएंगे और दूसरा प्लांट बन जाएगा। यही तो होता है लास्ट मोटिव किसी भी रिप्रोडक्शन चैप्टर को पढ़ने का, चाहे वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो चाहे वो प्लांट रिप्रोडक्शन हो। तो ये यहाँ तक जब पढ़ लेंगे ना अपन, तो अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले आज के लेसन में अपन यहाँ तक पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। पहली चीज़ जो मैंने बताई थी, पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। मैंने एक रेंडम सी फ्लावर की स्ट्रक्चर बताई है, ये बताने के लिए कि फ्लावर में, एक पुष्प में कौन कौन से पार्ट होते हैं जो लैंगिक जनन में आगे जाके हेल्पफुल होंगे पूरी घटना कार्यक्रम को खत्म करने के लिए। तो ये पता है आपको, फ्लोरल एक्सिस होता है मतलब पुष्पीय अक्ष होता है। ये जो नीचे है ये पता ना, नीचे किसी भी स्टेम से जुड़ा हुआ होगा, फिर ये स्टेम रूट से जुड़ा हुआ होगा। तो मैंने ये चीज यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर दी, ये है फ्लोरल एक्सिस मतलब पुष्पीय अक्ष। पुष्पीय अक्ष पे ही हमेशा पुष्प लगेगा। अब ये जो चीज है, अपन रोज का मतलब गुलाब का किसी को गिफ्ट करते हैं, पुष्प फ्लावर, अगर गुलाब का फ्लावर अपन किसी को गिफ्ट करते हैं तो अपन देखते हैं ना, लाल लाल या पिंक कलर की पंखुड़ियां होती है, उसके नीचे छोटे 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 ग्रीन कलर के पेटल्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं बाह्य दलपुंज। और जो लाल कलर की गुलाबी कलर की जो कलरफुल पंखुड़ियां होती है उसको बोलते हैं दलपुंज। फिर उसके अंदर होता है मेन, जिसका स्टडी पूरा अपन को रिप्रोडक्टिव पार्ट में पढ़ना है, वो मेन चीज है, दैट इज जायांग और पुमंग। पुमंग और जायांग, पुमंग होता है नर जननांग का पार्ट जो यूं दिखा रखा है मैंने, और जायांग होता है मादा जननांग, ठीक है। अब मैं एक चीज बता रही हूँ आपका, और पुष्प और मादा जननांग, पुष्प का शुरुआत जहां होती है उसको बोलते हैं अपन थैलेमस मतलब पुष्पासन, पुष्प का आसन, ठीक है, जहां से मेल और फीमेल दोनों गेमिटोफाइट जो है अटैच होते हैं, दोनों सेक्स ऑर्गन्स। अब मैं बता रही हूँ कि जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज, इन दोनों को मिला के बोलते हैं एसेसरी सेक्स ऑर्गन मतलब सहायक लिंग तंत्र, ठीक है। और जो पुमंग और जायांग, इन दोनों को बोलते हैं नेसेसरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। नेसेसरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोला है इसमें, क्योंकि यही तो है जो मादा और नर युग्मकों का निर्माण करेंगे, लेकिन इन दोनों के बिना कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों ही तो है जो अंदर उसको प्रोटेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, एक प्लांट, एक छोटा सा फ्लावर का स्ट्रक्चर बता दिया जिसमें क्या क्या टॉपिक्स मतलब क्या क्या पार्ट किस किस के लिए होते हैं, ठीक है। अब मैंने दूसरा बात बताया आपको, एक चीज ये और डिस्कस करते हैं, फ्लावर भी दो तरीके के होते हैं, ठीक है। कहाँ लिखूं, चलो इधर लिख देती हूँ, फ्लावर, एक लिंगी और द्विलिंगी, समझ रहे हो, नाम में लिखा हुआ है एक लिंगी और द्विलिंगी। अब आपको लगता है कि नीट का एग्जाम इतना सस्ता या फिर इतना इजी होता है कि अपन से ये पूछ लेंगे कि एक लिंगी पुष्प कौन से होते हैं और द्विलिंगी पुष्प कौन से होते हैं, जो एक सातवीं आठवीं क्लास का बच्चा भी बोल सक देख के बता सकता है, नाम में छिपा हुआ है एक लिंगी मतलब एक ही तरह का लिंगो, एक ही सेक्स मौजूद हो, तो ऐसा तो क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, क्योंकि नीट है, नीट का एग्जाम देके ही एक बच्चा डॉक्टरी फील्ड में जाता है, ठीक है, तो वो इतना इजी क्वेश्चन नहीं करेगा, तो क्या करेगा, इसमें कौन सा मैम, इसमें कौन सा हार्ड चीज छुपा हुआ है, छुपा हुआ है। अब मैं एक दूसरी चीज लिखती हूँ आपको, ठीक है, मैं लिखती हूँ डायोशियस, डायोशियस
मोनोशियस, ठीक है, मैंने लिखा डायोशियस और मोनोशियस। अब आप देखो एक चीज, एक लिंगी मतलब मोनो, और मोनो गया इधर, द्विलिंगी, द्वि मतलब द्वि, द्वि यानी डाई, डाई आया इधर, बस यहीं पे बच्चा मात खा जाता है, समझ रहे हो कहाँ खा जाता है। एकलिंगी मोनो है, मोनोशियस ये होना चाहिए, द्विलिंगी दो है, डायोशियस ये होना चाहिए, नहीं। टर्मिनोलॉजी अपन को ऐसे दे रखी है कि डायोशियस मतलब एक ही प्लांट पे दोनों तरह के युग्मकों का निर्माण, दोनों तरह के गेमिटोफाइट का निर्माण, वो समझ रहे हो, एक प्लांट दो तरह के सेक्स ऑर्गन, दो तरह के गेमिटोफाइट, दो तरह के गेमिट्स का बनना। मोनोशियस, मोनोशियस मतलब एक प्लांट पे एक ही सेक्स ऑर्गन, एक प्लांट पे एक ही गेमिट का बनना, समझ रहे हो। तो ये होता है इसका मतलब। तो एक लिंगी द्विलिंगी याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबको आता है। सबको क्या नहीं आता है, सबको मोनोशियस और डायोशियस में डिफरेंस नहीं आता है। हमेशा याद रखना डायोशियस मतलब एक प्लांट पे दोनों का मिलना, मोनोशियस मतलब एक प्लांट पे एक, दूसरे प्लांट पे एक। एक प्लांट पे अगर मादा युग्मक हुआ, दूसरे पे नर युग्मक हुआ, तो दोनों का परागण होके, निषेचन होके, फिर एक दूसरा जायगोट बनेगा। लेकिन डायोशियस, डायोशियस, अब डायोशियस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, पपीता। पपीता पता भी हो तो आपको, पपीता हमेशा एक लिंगी होता है, मतलब पपीता में क्रॉस पोलिनेशन नहीं होता है, मतलब बाहर से निषेचन, बाहर से परागण कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पपीता डायोशियस प्लांट होता है, जिसकी वजह से उसके एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, दोनों अपने आप से फ्यूज हो जाते हैं, उसमें किसी तरह के बाहरी सुझाव की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये पपीता बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, ये नॉर्मल था फ्लावर के बारे में। एंड नेक्स्ट अपन को क्या पढ़ना है, नेक्स्ट अपन को पढ़ना है नर जननांग और नर युग्मकों का निर्माण, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब मैं बोल रही हूँ नर जननांग, इसमें नर जननांग क्या बताया मैंने, पुमंग। अब पुमंग का अध्ययन करने के लिए अपन को इसमें से, यहां से इसको तोड़ो, समझ रहे हो। अब ऐसे तो कैसे तोड़ू बेटा, मैं बता रही हूँ, इसको यहां से तोड़ो और इसको यहाँ पे फिट कर दो, बाहर निकाल लो, बाहर निकलेगा तभी तो अध्ययन कर पाएंगे अपन। बाहर निकालने से अपन को एक चीज अपन को याद रखनी है कि पुमंग, पुमंग की एक इकाई है जिसको पुंकेसर कहते हैं, ये पुंकेसर, ठीक है। अपन ने पुंकेसर का अध्ययन करना है, ठीक है। अब इस पुमंग को अपन इंग्लिश में एंड्रोशियम भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं गाइनोशियम, ठीक है। अब पुंकेसर का अध्ययन करने के लिए जहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, ये तो पार्ट है पुंकेसर का, जिसमें इसको लंबे वाले फिलामेंट को बोलते हैं पुतंतु, जहाँ से फिलामेंट ऊपर पराग कोश से जुड़ा हुआ है, ये पार्ट पराग कोश है, उस चीज़ को बोलते हैं कनेक्टिव, मतलब योजी। ये तीन पार्ट होते हैं, योजी, पराग कोश और पुतंतु, एक पराग पुंकेसर की संरचना में। लेकिन कोई नहीं पूछेगा, पूछेगा क्या, पूछता ये है कि एनसीईआरटी में एक लाइन मेंशन है कि पराग कोश कौन से एंड पे लोकेटेड होता है, कौन से एंड पे व्यवस्थित होता है। अब एंड कौन सा, ये डिस्टल एंड, प्रोक्सिमल एंड, इनको ऐसे ही याद करना, हिंदी इनकी मत निकालना आप ऐसे जैसे मैंने लिखा है। मुझे जहाँ लगेगा आपको कि एक टर्मिनोलॉजी को आपको इंग्लिश में याद करना बहुत ज़रूरी है, उसका मैं नाम यहाँ पे इंग्लिश में ही कराऊंगी, हिंदी में नहीं कराऊंगी। आपको इस चीज़ में मुझे कॉपरेट करना पड़ेगा, मैम आपके भले के लिए ये चीज़ बोल रही है। आपको अभी नहीं, आप जब एग्ज़ाम दोगे ना तब समझ में आएगा कि मैम ने इस तरीके से पढ़ाया था, याद करवाया था कि हमें सही, अभी एकदम से हम कनेक्ट कर पा रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। पराग कोश पुतंतु से डिस्टल एंड से जुड़ा हुआ होता है, प्रोक्सिमल एंड से जुड़ा हुआ नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ याद करने वाली है क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है। अब अपन को पढ़ना है नर युग्मकों का निर्माण। ये नर युग्मक कहाँ बनेंगे, इस पुतंतु में बनेंगे, नहीं, ये एक काम है सिर्फ इसको खड़ा रखना, पुंकेसर को खड़ा रखने के अलावा और कोई काम नहीं है इस पुतंतु का। तो ये जो पराग कोश है ना, आप सोचो नाम से पता चल रहा है, पराग कोश, पोलन सेक, ठीक है।
इस पराग कोश को अपन, जैसे बेटा ये ऐसे है, ऐसे अरेंज हुआ हुआ है, देखो मैं बताती हूँ, ये ऐसे अरेंज हुआ हुआ है, समझ रहे हो, नीचे पुतंतु है, ऊपर पराग कोश है, ऐसे अरेंज हुआ हुआ है डबल लेयर के अंदर। अब अपन को अगर इसका अध्ययन करना है कि इसके अंदर क्या बन रहा है, तो अपन इसको ऐसे काटेंगे, काटेंगे ऐसे, अपन इसको ऐसे काट रहे हैं, ऐसे काट के फिर अपन को, अपन इसको दिखाना चाह रहे हैं तो वो ऐसे दिखेगा, तो वो अब ये स्ट्रक्चर दिखेगी। अपन इसको अगर इस एंड से काटते हैं या फिर इस एंड से काटते हो तो अपन को वो स्ट्रक्चर दिखती है। बीच में क्या है, बीच में ये जो योजित लिखा है मैंने, वो है बीच में कनेक्टिव। अब ये चार क्या है, ये क्या है, ये चार है पराग को, लघु बीजाणु धानी माइक्रोस्पोरोजियम। अब इसको बोलते हैं लघु बीजाणु पर्ण, लघु बीजाणु पर्ण, पुंकेसर को बोलते हैं लघु बीजाणु पर्ण। और ये जो चार यहाँ पे धानियाँ बनी हुई है जिसके अंदर आगे पराग कण बनेंगे जिसको नर युग्मक बोलेंगे, उसको बोलते हैं लघु बीजाणु धानी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये जो मेल एंथर है, ये जो अपना पराग कोश का जो परिवर्धन है, डेवलपमेंट है, वो यूस्पोरेंजिएट तरीके का है। अब यूस्पोरेंजिएट क्या होता है, यूस्पोरेंजिएट होता है एक से ज़्यादा आर्किस्पोरियल कोशिकाओं से मिलकर अगर किसी का डेवलपमेंट हो रहा है, किसी का निर्माण हो रहा है, तो उस तरीके के डेवलपमेंट को बोलते हैं यूस्पोरेंजिएट प्रकार का डेवलपमेंट। अब ये जो एंथर था ना, यहाँ पे जो आर्किस्पोरियल सेल्स थी ना उसके बाहर, ठीक है, हाँ, उनमें से एक से अगर एक सेल बना लेती तो वो यूस्पोरेंजिएट नहीं होता, एक से ज़्यादा कोशिकाएँ इसके परिवर्धन में हेल्पफुल है, इसलिए इसको बोलते हैं यूस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट, ठीक है। अब अपन इस पे आते हैं, इस पे आते हैं, ये बन गया चार, चार बन गई है। अब ये जो पुंकेसर की संरचना मैंने बताई थी, तो इसमें दो लोब दिख रहे हैं, एक लोब ये और एक लोब ये नीचे वाला जो ढका हुआ दिख रहा है, इसलिए इसको द्विपालित बोलते हैं। जो कैप्सेला प्लांट है अपना, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, उसमें द्विपालित तरीके का होता है, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो ये जो मोनोथिकस प्लांट होता है ना, मतलब ये तो है बाइलोब, सिंगल लोब्ड है, इसलिए इसको डाइथिकस बोलते हैं, ठीक है। अगर ये एक तरीके का हो, मतलब मोनोथिकस हो, मोनोथिकस, ये मोनोथिकस किसमें मिलता है, मतलब सिर्फ एक ही पाली हो, ये एक द्विपालित है जो कैप्सुला में मिलता है, अगर एक ही पाली हो तो उसको मोनोथिकस बोलते हैं। और ये मिलता है अपने मालवेसी में, मालवेसी कौन सा कुल होता है, मालवेसी होता है भिंडी वाला, बैंगन वाला कुल, ठीक है, भिंडी बैंगन ये मालवेसी में आता है। अब मैं बता रही हूँ जो चार ये पूधानियाँ, चार ये जो लघु बीजाणु धानी बन गई है जिसको पूधानी भी बोलते हैं, इन चारों को मिला के बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट, टेट्रास्पोरेंजिएट, ऐसा ही मेंशन है आपके एनसीईआरटी बुक में भी, यही नाम मेंशन है, ठीक है। अब इन लघु बीजाणु धानियों के अंदर ही लघु बीजाणु बनेंगे, वो लघु बीजाणु ही कहलाएंगे परागकण, और वो ही मेच्योर होने के बाद कहलाएंगे मेल गेमिट, नर युग्मक, ठीक है। तो अपन उससे पहले पढ़ते हैं जो ये एंथर की वॉल है ना, भित्ति, इसके बारे में, इससे रिलेटेड तीन चार क्वेश्चंस बनते हैं जो हर अल्टरनेट बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये जो बाहरी लेयर है इसको बोलते हैं एपिडर्मिस, इसका कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं होता है, बस ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करती है, प्रोटेक्शन करती है एंथर का। इसके बाद में आता है ये बाहरी एपिडर्मिस, ठीक है, बना भी देती हूँ मैं ना, पूरे पे नहीं ड्रॉ करूँगी मैं, थोड़े से पे ड्रॉ करूँगी जो आप समझ जाओगे, ट्वेल्थ क्लास में हो तो समझ ही जाओगे, ठीक है। अब ये एपिडर्मिस के बाद में यहाँ पे अर्य भित्तीय प्रकार की कोशिकाएं होते हैं जिनको बोलते हैं एंडोडर्मिस होते हैं, जिसको यहाँ बोलते हैं एंडोथीसियम। ये जो एंडोथीसियम होता है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चंस भी दो तरीके के होते हैं,
जो एंडोथीशियम होता है ना, इसका बेसिकली दो ही पॉइंट याद करना है। एक पॉइंट ये है कि ये कैलोज बैंड बनाएगा, ठीक है। कैलोज बैंड क्या होता है, जो यहाँ पे पूरा लघु बीजाणु धानी के अंदर जो परागकण बन जाएंगे ना, अब वो परागकण अगर फ्रीली स्टेज में होंगे, ठीक है, तो उनका कोई मतलब नहीं है, उनको बांधे रखना ज़रूरी है। बांधे रखना किस लिए ज़रूरी है वो मैं आगे बताऊंगी। जब स्फुटन प्रोसेस होगी ना, मतलब ये यहाँ से टूटेगा, फूट जाएगा, फूटेगा, उसको बोलते हैं स्फुटन प्रोसेस। स्फुटन प्रोसेस के थ्रू ही जो परागकण बनेंगे ना, वो यहाँ से निकलना शुरू कर जाएंगे, ठीक है। अब ये प्रोसेस होने के लिए यहाँ पे एंडोथीसियम लेयर का होना बहुत ज़रूरी है, जो यहाँ से यहाँ तक निकलने के लिए। ये क्या होगा कि जो एंडोथीसियम जो लेयर है वो होती है अरीय प्रकार की, ठीक है। अरीय सेल्स होती है उसके अंदर, रेडियल सेल्स होती है। तो उसमें क्या होता है कि ये इनमें अल्फा कैलोज बैंड बनते हैं, ये कैलोज बैंड इन परागकणों को एक दूसरे से बांधे हुए रखते हैं। अब ये जो एंडोथीसियम लेयर होती है वो होती है आर्द्रता ग्राही। आर्द्रता ग्राही क्या होता है कि उसको पानी चाहिए, आर्द्रता मतलब पानी, नमी चाहिए उसको। और अगर गर्मियों के टाइम पे क्या होता है उसको, ऑब्वियस सी बात, अपन राजस्थान में रहते हैं तो अपन को पता है कि गर्मी कितनी गंदी वाली गर्मी होती है यहाँ पे। तो ऐसे मौसम में यही मई जून वाला टाइम खूब गर्मी होएगी, ठीक है। वो गर्मी क्या करेगा, सुखा देगा इस लेयर को। पहले एपिडर्मिस को सुखाएगा, फिर वो सुखाएगा एंडोथीसियम को। एंडोथीसियम लेयर जैसे ही सूखने लगेगी तो उनमें संकुचन स्टार्ट हो जाएगा। संकुचन स्टार्ट करते ही वो एक दूसरे को खींचने लग जाएगी। उस खिंचाव की वजह से एक टेंशन क्रिएट होगा, वो टेंशन क्या करेगा, झट से इस भित्ति को तोड़ देगा। ये यहाँ से टूटी, ठीक है, टूटते ही ये परागकण इधर आ जाएंगे। अब ये परागकण, आपने तो अभी मैम भी बताया कि ये परागकण तो जुड़े हुए हैं कैलोज बैंड से, यस जुड़े हुए हैं। तो अब इन जुड़ाव को कौन घोलेगा, इस जुड़ाव को डिसॉल्व करने के लिए भी तो एक लेयर होनी चाहिए ना, उस लेयर को बोलते हैं अंदर टेपिटम लेयर। अब ये टेपिटम लेयर कहाँ होती है, ये टेपिटम लेयर होती है लघु बीजाणु धानी के जस्ट बाहर, मतलब ये चौथी लेयर होती है। तो एंडोथीसियम और टेपिटम लेयर इन दोनों के बीच में एक लेयर होती है जिसको मिडिल लेयर बोलते हैं। ये जो होती है मध्य स्तर, मध्य स्तर का भी कोई खास कार्य नहीं होता है, बस मध्य स्तर का काम होता है भोजन जो फूड बना हुआ है उसको स्टोर रखना, ठीक है। अब जो मध्य स्तर का अंदर का लेयर होता है ना, इसको बोलते हैं टेपिटम, ठीक है। अभी जो मैंने डिस्क्राइब किया था टेपिटम वो ये है। अब ये टेपिटम का अभी मैंने एक काम बता दिया था आपको, क्या काम था, ये कैलोज बैंड को आज जब उस टाइम पे सूखा पड़ेगा, जिस टाइम पे इसका स्फुटन का टाइम आएगा ना, तो ये कैलोज बैंड को घुला देगा, डिसॉल्व कर देगा। जैसे ही कैलोज बैंड डिसॉल्व होएगा कैलेज एंजाइम से, ये टेपिटम होता है ना, ये कैलेज एंजाइम स्रावित करता है, कैलेज एंजाइम, ये टेपिटम कैलेज एंजाइम स्रावित करता है जो कि कैलेज कैलोज बैंड को घोल देता है। उस वजह से ये परागकण अब फ्री हो गए, ठीक है, अब बाहर आ जाएंगे तो फ्री हो जाएंगे। अब ये प्रोसेस समझ में आ गई। अब टेपिटम, एंडोथीसियम के दो कैरेक्टर बताए जो याद रखने हैं, क्या, एक तो कैलोज बैंड वाला और दूसरा कि वो आर्द्रता ग्राही होता है जो स्फुटन में मदद करता है, दोनों याद हो गए। अब टेपिटम को आपको चार कैरेक्टर बता रही हूँ जो टिप्स पे याद होना चाहिए, उसमें से एक कैरेक्टर मैंने बता दिया, कैलेज एंजाइम कैलेज एंजाइम स्रावित करेगा जिसकी वजह से कैलोज बैंड को डिसॉल्व किया जाता है, जिसकी वजह से परागकण फ्री हो जाते हैं स्फुटन के टाइम पे, पहला। दूसरा है फूड स्टोरेज, तीसरा है फूड ट्रांसफर। फूड स्टोर कर रहा था मिडल लेयर, लेकिन उस मिडल लेयर से फूड ट्रांसफर कौन करेगा, टेपिटम ही करेगा। अब वो कैसे करेगा, वो करेगा दो तरीके से, मैं कहा ये मिटा देती हूँ, है ना।